क्या हाल है मेरी ट्रिपल बंदे की फैमिली के। मैं हूं आपका भाई क्षितिज और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे। आप देख रहे होंगे कि मुझे कि मैं नहा धो के ऑल सेट एंड रेडी हूं। ऐसा क्यों? वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जा रहा हूं सुबह सुबह बाबा जी के दरबार, जो कि हमारे शिरडी जा रहा हूं मैं। मैंने आप लोगों से इतनी बार कहा है कि भाई ट्रिपल ब्रदर्स को, क्षितिज और संभव को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो रेगुलर अपडेट्स के लिए, और हमारे साथ कनेक्ट रहो यार, क्योंकि हम वहां पे बहुत लेटेस्ट अपडेट्स करते रहते हैं, रियल टाइम अपडेट्स करते रहते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ कहीं ना कहीं मैं आपको इंस्टाग्राम के हैंडल्स दे दूंगा, जल्दी जाके वहां पे फॉलो कर लेना, अपने भाइयों से जुड़ जाना। फिलहाल मैं हो रहा हूँ बहुत ज्यादा लेट, क्योंकि फिर से घड़ी देख लो, घड़ी तो अच्छी लगती है। 6:05 हो रहा है, मैं जा रहा हूँ जल्दी से ओला उबर कुछ ना कुछ बुक करने के लिए, और डायरेक्टली मिलते हैं आपको स्टेशन पहुंच के। कमेंट करके जरूर बताना आपका भाई कैसा लग रहा है। ये रहा कुछ आउटफिट ऑफ द डे। वंदे भारत, ऐसा है कुछ नजारा वंदे भारत। अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है वंदे भारत का। चलते हैं अपने डेस्टिनेशन। तो जी, बस फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने बाबा की नगरी में, पहुंच चुके हैं हम शिरडी, और ये रही हमारी वंदे भारत ट्रेन। इसी ट्रेन से अभी हम पहुंचे हैं। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट बाहर निकलते हैं और कुछ ऑटो वगैरह देख के सीधे पहुंचते हैं बाबा के दरबार, और आप मिलते हैं रास्ते में। तब तक आप देख लो वंदे भारत के कुछ शॉट्स। एक सवारी की जगह है, है ना, क्या? कहाँ बैठना है? पीछे बैठो, चलो। पीछे कहाँ पे? क्या इतनी जगह है ना, चार लोग बैठते हैं, इधर बैठ जाओ। अरे वो तो बहुत बेकार है, सोच के बात है, 10-10, 12-12 सवारी, ऐसे तो मैं नहीं जा पाऊँगा। और लेते हैं तो की सवारी, उतर जाएंगे? नहीं नहीं, जिस गेट के आगे भी हम खड़े हैं, गेट नंबर 1, यहाँ से बनते हैं पासेस वगैरह बनते हैं। अगर आपके पास पास है तो आप गेट नंबर 2 से एंट्री कर सकते हो, अगर आपके पास पास नहीं है तो आप गेट नंबर 1 से एंट्री कर सकते हो। हालांकि गेट नंबर 1 से भी पास बन सकता है पेड़ वाला, जो कि है ये, जो कि है ये भी, वो पूरा करना है। और अभी एजेंडा ये है कि अभी अपने को करने हैं मां मंदिर के दर्शन सबसे पहले, दरबार की पहली झलक अगर मैं आपको दे सकूं, ये रहे हमारे बाबा। बोलो ओम साई राम। डूबी रेस्टोरेंट्स और शेरे पंजाब वाले रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बहुत से, हर जगह आपको शेरे पंजाब और डूबी देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। इस रोड पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और लॉन्च हैं, होटल जो आप बोल सकते हो, अच्छे रेट पे, रीजनेबल रेट्स पे आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपको स्टे करना है, या तो आप पहले से साई आश्रम न्यू वाला, साई भक्त निवास जो कि पहले वाला है, और साई डोमेट्री, ये चीज़ है, डोमेट्री का मतलब है कि आपको शेयर करना पड़ेगा मामला, बट साई भक्त निवास है वो है पुरानी वाली बिल्डिंग, और साई आश्रम जो है वो है नई वाली बिल्डिंग। सो आई रिमेम्बर जब मैं लास्ट टाइम फैमिली के साथ आया था तो मैं साई आश्रम में ही रुका था, जो कि नई वाली बिल्डिंग थी, बट उसके लिए आपको पहले से बुक करना पड़ता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अकेले अगर आओगे तो साई आश्रम या भक्त निवास में आपको रूम नहीं मिलेगा, नहीं मिलता अकेले बंदे के लिए, क्योंकि मैं फंस चुका हूँ, मैं आया था, मैंने बुक करा था, मुझे मना कर दिया गया था। सो जब भी आएँ, फैमिली के साथ आएँ, तभी बुक करें। अकेले अगर आ रहे हैं तो इन भक्त निवास में, मतलब साई ट्रस्ट के द्वारा जो चलाए गए हैं उनमें बुक ना करें, नहीं मिलेगा आपको, अलग से बाहर बुक करना है। हालांकि मैंने अभी तक कोई भी ऐसी बुकिंग नहीं करी है, क्योंकि मेरा एजेंडा यह है कि मैं रात में मुंबई वापस लौट जाऊंगा, बस बाबा के अच्छे से दर्शन हो जाए। ये है हमारा फ्री शू स्टैंड,
यहाँ पे अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ पहले अपनी क्रॉक्स वगैरह रख दूँ जाके, क्योंकि ये है साई ट्रस्ट वाला शू स्टैंड, इसमें मैं रख देता हूँ और उसके बाद फिर आगे कहानी देखते हैं। वो अगर आप लोग देख पा रहे हो तो वो है आगे मोबाइल का लॉकर, तो पहले मुझे शूज़ रखने पड़ेंगे। हाँ ले लो, ये मिल चुका है बोरा, इसके अंदर रखने में शूज़ खाली है। शूज़ रखने के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। रखो हाँ थाम्बा 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 रखने को बोला है इन्होंने, वेट करने को बोला है। ये रहा जीते तुम्हें, ये धक्का मत दीजिए यार, हम ले तो ले। एक बैग दे ना, बैग। तो भैया जूते तो चले गए, एक टास्क हो गया अपना है मोबाइल कैमरा बैग लॉकर। दूसरी जगह के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और इसके आगे की फुटेज मैं आपको चाहते हुए भी नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन हमें करना है सबमिट। ये रही जगह, देख लो ऐसा कुछ कैंपस है, मैं दर्शन कर लूँ उसके बाद आपको पूरे कैंपस के दर्शन कराऊंगा, बट पहले दर्शन से जुड़े हैं। चलते हैं मोबाइल कैमरे लॉकर की तरफ। ये सब आपको मिल जाएगा गेट नंबर 1 से एंट्री लेते ही, करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। पीछे हैंड वॉश का भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि हाथ हो गए बहुत ज़्यादा गंदे। बस फाइनली अब जा रहे हैं अपना फोन सबमिट करने के लिए, एयरपोर्ट्स भी देने हैं साथ साथ। ओके 6.5 hours later क्या हाल है, बस हो गए दर्शन, बाबा के दर्शन बाकी बहुत अच्छे हुए। बात कुछ ऐसी है कि दर्शन हो गए, मतलब अप्रॉक्स और एस्टिमेटेड पूरा एक घंटा लगता है, पूरा एक घंटा लगा हमें दर्शन करने में। अभी फिलहाल हम आ गए भैया के पास सोडा पॉइंट पीने, सोडा पीने, नींबू शिकंजी पीने, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। अभी फ़िलहाल मैंने अपने क्रॉक्स वगैरह फ़ोन वगैरह सब ले लिया है, अफकोर्स फ़ोन ले लिया तभी तो ब्लॉग कर रहा हूँ। ये सामने प्रसाद काउंटर, मैं सोच रहा हूँ घर के लिए थोड़ा प्रसाद ले लूँ एक्स्ट्रा, अगर मिल जाता है तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा लाइन हुई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और एंट्री ली थी गेट नंबर 2 से और इसी के पीछे से यहाँ से हमने एग्जिट करा। हालांकि अभी मैं चामड़ी नहीं गया, तो अभी यहाँ से मैंने सोचा फोन उठा लूँ, उसके बाद मैं जाऊँ चावड़ी के दर्शन। आप लोग भैया बना देना सोडे वाला एक। तो जब बस यहाँ पे पेरू बहुत मिलते हैं लोगों को, लोगों के यहाँ मतलब बिकने के लिए पेरू, जिनको हम कहते हैं अमरूद हमारे नॉर्थ में, बट यहाँ पे पेरू कहा जाता है। तो पेरू, किशमिश और अनार, इसको बस ये है लाइन जो कि है प्रसाद वितरण की, 10 रुपये पैकेट मिल रहा है। बात ये है कि यहाँ पे मैक्स एक आदमी को, यहाँ पे मैक्स एक आदमी को सिर्फ 10 पैकेट ही अलाउड है और लाइन लगी है। देख रहे हो कहाँ से लाइन लगी है, ये बुरी लाइन लगी है इतनी ज़्यादा। अरे ऑफिंग करने और ये लाइन है, मैक्सिमम 10 पैकेट ही दे रहे हैं एक दिन, दे रहे हैं असल दे रहे हैं, 10 पैकेट दे रहे हैं मैक्स। नहीं नहीं मैक्सिमम 2 ही पैकेट देते एक दिन। हाँ नहीं 10 दे रहे हैं हम। ट्रिपर्स अभी यहीं तक आए लाइन में, फ़िलहाल अभी ये 10 रुपीज़ का ये एक झूला ले लिया है लड्डू वगैरह रखने के लिए। चलते चलो
प्रसाद भी हमने ले लिया है घर के लिए, थोड़ा सा मैंने प्रसाद लिया। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 3 से, जब आप एकदम राइट ले लोगे, बाहर निकलते ही राइट ले लो आप गेट नंबर 3 से, तो वो रास्ता जाता है चांदी की तरफ। फिलहाल ये रास्ता है मुख दर्शन के लिए, मैं किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, ये रही बाबा की चावड़ी। अब मैं जा रहा हूँ अंदर दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद आपसे मिलते हैं। रिवर्स मेरे लेफ्ट में, मेरे लेफ्ट में जो आप देख रहे हो वो है द्वारका माई। अभी इससे पहले मैंने आपको चावड़ी दिखाई थी, अभी मेरे जो लेफ्ट में है वो है द्वारका माई। हालांकि द्वारका माई के अंदर मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि फ़ोन निकाल लिया है मैंने और फ़ोन के साथ एंट्री नहीं है आपके। सो फिलहाल मैं भी आप लोगों के साथ बाहर बाहर से दर्शन कर लूँगा द्वारका माई के। द्वारका माई एक्चुअली वो जगह है जहाँ पे बाबा बैठ के खाना वगैरह बनाते थे, उनका चूल्हा है यहाँ पे बैठते थे, और चामड़ी वो जगह है जहाँ पे वो मीटिंग्स करते थे बैठ के। तो ये है मामला, ये है अंदर कुछ द्वारका माई ऐसी जहाँ पे आपको उनका मंदिर दिख जाएगा छोटा सा, उनकी गेहूँ की बोरी दिख जाएगी, आटे की बोरी, गेहूँ की बोरी दिख जाएगी जिस, और चूल्हा दिख जाएगा, ये सब वो करते थे। ये आप देख सकते हो इसके अंदर द्वारका माई, और चामड़ी जैसा कि मैंने आपको बताया वो जगह है यहाँ पे उनकी सभा बैठती थी, उनकी मीटिंग्स होती थी, जो कि है ये जगह एकदम स्ट्रेट। ऐसा है कुछ। फिलहाल हम यहाँ से आए हैं और यहीं से चलते हैं बाहर, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट वगैरह है, खूब अच्छी खासी मार्केट है कुछ खरीदने वरीदने के लिए, क्योंकि मेरा स्केड्यूल चल रहा है बहुत ज़्यादा टाइट और बैक टू बैक चीज़ें हैं मेरे पास, तो बाहर तो दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या है मेरे पास करने के लिए। तो ट्रिपर्स ये जो परिसर है ये है साई आश्रम भक्त निवास का, जो कि है ये न्यू वाली बिल्डिंग। जैसे कि मैं बताता हूँ, जब आप साई आश्रम की, सॉरी बहुत स्वेट हो रहा है, जब आप साई आश्रम की वेबसाइट पे जाओगे बुकिंग करने के लिए तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आएंगे, साई भक्त निवास, साई आश्रम और साई धनवंतरी, जो कि है डॉर्मेटरी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। जो ये है दिस इज लाइक द न्यूएस्ट बिल्डिंग। मैं जब जब आया हूँ फैमिली के साथ, मम्मी के साथ, तो हमेशा इसी वाली बिल्डिंग में हमने स्टे करा है। हालांकि पुरानी वाली बिल्डिंग भी है, वो भी अच्छी है, वो इससे आधा एक किलोमीटर और उस साइड है, ऑपोजिट साइड है, तो वो है। लड्डू ले सकते हो, वही लड्डू जिनके लिए मैंने लाइन लगी थी मंदिर में, बट यहाँ पर आप ले सकते हो ईज़िली। क्लॉक रूम भी है जहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हो। ये आप देख रहे हो जितने लोग हैं सब चेकआउट करके निकल रहे हैं। प्रोबेबली आदमी जब यहाँ से निकलता है तो शनि शिंगणापुर जाता है, नासिक जाता है, शनि शिंगणापुर फिर भी पास है, तो उन सब जगहों पे जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है आपको फ्री प्रसाद भोजन स्कीम, तो हम जब जब आते थे आश्रम से खा के निकलते थे। भैया अभी बंद है क्या? नहीं, 4 बजे चालू होगा। कितना बज रहा है अभी? और तो 4 बजे दोबारा स्टार्ट होगा। तो ऐसा है कुछ माहौल यहाँ का, काफ़ी अच्छा होता है रीज़नेबल रेट्स में, और ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसे नहीं हैं सिर्फ वहीं यहाँ पे खा सकता है, ये भक्तों के लिए ओपन है। फिलहाल ये है रिसेप्शन, मैं आपको रिसेप्शन दिखा देता हूँ। और एक बार में ऑनलाइन सिर्फ 48 आवर्स, मतलब कि 2 दिन का ही रूम बुक होता है, उसके बाद आप आके एक्सटेंड करवा सकते हो, जैसे हमने भी करवाया है पहले। आप चाहो तो एक्सटेंड करा सकते हो, एंड मेक श्योर अपनी आईडी वगैरह सब लेके आना। ऐसा कुछ है एंट्री, लोग यहाँ वेटिंग में बैठे हैं, वो है क्यूज़, जहाँ पे आप क्यू में जाके देख सकते हो कि आपको आपका रूम कितनी देर में मिलेगा। ये है, ऐसा कुछ बाबा के दर्शन यहाँ हो रहे हैं, और ये आपको आरती का टाइम दिख जाएगा सारा, कि सुबह की आरती 4:45 बजे समाधि मंदिर, उसके बाद सुबह 5 बजे कक्कड़ आरती, 5:15 बजे, ऐसे कि आपको सारी आरती दिख जाएगी। हो अगर मन है आपको तो आप इस शॉट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो जब भी कोई आए तो ये सब चीज़ें
देख के आए, ध्यान रख के आए। फिलहाल बस ये था ऐसा कुछ प्रसाद जिसमें कि मैंने रोटी खा ली क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी। रोटी खा ली, मैं दिखा देता हूँ, ये आपकी चने या छोले की सब्जी, ये आपकी कोई कढ़ी है, ये दाल चावल है। साइड में मैंने थोड़ा सा नमक रखा है, बाकी रोटी खा ली। और आप दोबारा जाके रिफिल भी करवा सकते हो, लाइक दिस इज़ द सेम पैटर्न जैसे आप कभी बंगला साहिब गए हो या अमृतसर गए हो तो वहाँ पे प्रसाद खाते हैं, वैसे ही ये साईं बाबा आश्रम में बाबा के भक्तों के लिए ये प्रसाद की सुविधा इन्होंने दी हुई है। हालांकि आपको टाइम देख के आना पड़ेगा, जैसे मैं 4:45 पे पहुँच गया था बट मैंने 15 मिनट वेट करा क्योंकि 4 बजे से इसका टाइम है और मैक्स टू मैक्स 9:30 बजे तक ये चलता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे लोग एक्चुअली तैयार होकर निकल रहे हैं, सो ये वो लोग हैं जो तैयार होकर निकल रहे हैं जिन्होंने दोपहर में या सुबह चेक इन किया होगा, आराम करके फ्रेश व्रेश होके अब जा रहे हैं लोग दर्शन करने के लिए। मेरी समझ से तो यही होना चाहिए क्योंकि जब मैं आया था तो मैं ऐसे ही करता था। बाकी चल रहे हैं बाहर, इन लोगों को भी बाहर से ऑटो टैक्सी टूक्सी जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपका ट्रिपर ब्रदर, आपका भाई कहाँ जा रहा है? आपका भाई जा रहा है फिलहाल, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मुंबई भी वापस निकलना है। सो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ बाहर से ऑटो वाटो देखता हूँ, सीधे जाते हैं स्टेशन, वहाँ पे अपनी वंदे भारत इंतज़ार कर रही होगी और साईं आश्रम को करते हैं बाय बाय। होपफुली बाबा जल्दी बुलाएंगे नेक्स्ट टाइम। और आप लोगों को भी अगर आना तो बहुत अच्छे से अपनी आइटम भी प्लान कर सकते हो 2 से 3 दिन की। जो कुछ मिसिंग डिटेल्स होंगी मैं इस ब्लॉग में डाल दूंगा, ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, छोड़ दो यार मुझे स्टेशन एटलीस्ट। हो गई आपके भाई की कुछ ना कुछ व्यवस्था, ये रही सामने अपनी वंदे भारत ट्रेन जो कि हमें डायरेक्ट ले जाएगी CST। हालांकि मैं CST नहीं उतरूंगा, उसके पहले ही उतर जाऊंगा कहीं ना कहीं। TT सर से हो गई है बातचीत, अब अपना जा रहे हैं और करते हैं कुछ ना कुछ व्यवस्था और आपसे मुलाकात होगी घर पहुँच के। फिलहाल आज की ये जर्नी रही है बहुत ही ज़्यादा अच्छी। C7 है ना ये? टच भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक। ठीक है ट्रिपर, फिलहाल रख दिया बैग वैग अपना, फर्स्ट नंबर की सीट है अपनी। फिलहाल ये डोर्स होते हैं ऑटोमेटिक, जैसे कि देख रहे हो कि ऑटोमेटिक डोर्स हो रहे हैं क्लोज और ऑटोमेटिक डोर्स हो रहे हैं ओपन। तो ट्रिपर्स बैक टू होम, जहां से चले थे आज सुबह 5 बजे, रात के कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं। सो सुबह के 5 बजे चले, रात के 11 बजे, नाउ वी आर फाइनली बैक टू होम। पूरी सीरीज देखना, एक्चुअली सीरीज नहीं, दैट्स अ शॉर्ट वन डे ट्रिप, तो जरूर देखना। बाबा का आशीर्वाद मिला है आपको भी वर्चुअल दर्शन देने की, मैंने पूरी कोशिश करी है, और देखना और बताना आपका फेवरेट पार्ट क्या लगा है इसमें। और दोनों ट्रिप ब्रदर्स को, अपने प्यारे भाइयों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, तुरंत फॉलो कर लेना क्योंकि वहां पे रियल टाइम अपडेट्स आती रहती हैं, संभव के अकाउंट पे, मेरे अकाउंट पे भी। सो होप आप सब अच्छे होंगे, आपने अगर वीडियो यहां तक देख ली है तो मेक श्योर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी व्लॉग में घूमते फिरते। ओके बाय।